हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ कौशल कुमार फ्रॉम देसी लाइफ इन चाइना। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने भाई लोग अच्छे होंगे और घर पे सुकुशल होंगे और कोरोना के टाइम पे आप लोग सेफ्टी बरत रहे होंगे। बाकी सीन ऐसा है यार कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज मैं बताना चाह रहा था आपको कि चाइना के अंदर में फिर से कोरोना रीअपेयरेंस हुआ है, तो उसके बारे में बताना चाह रहा था ये कैसे आया। जो यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की मीडिया बोल रही है मैं उस बातों को बताऊँगा। बाकी कोरोना तो आया है और कितने केसेस हैं अभी और यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, तो चलिए हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। बाकी दोस्तों आज है 17 जून और ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। अभी शाम के 7 बज रहे हैं तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि मुझे बहुत दुख हुआ कल के बारे में जान के, बट मैं इसमें अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। बाकी हम अभी कोरोना वायरस के ऊपर बात करेंगे कि चाइना के अंदर में जो कोरोना वायरस का सीन अभी क्या है और क्या करंट सिचुएशन है और गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। दोस्तों और एक चीज़ और बताऊँ कि जो मैं ये यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपलोड करने के अंदर करने में, क्योंकि मैं चाइना के अंदर में तो आपको पता है गूगल से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे बैंड है। तो यार आपका भाई आपके लिए अगर इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा है या आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लग रही है अच्छी, तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको आप शेयर करो, उनको भी प्रॉपर नॉलेज हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ यार जो चीज़ें चाइना के अंदर में रियल में हैं, मतलब ये नहीं कि जो मीडिया, क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ गवर्नमेंट मीडिया पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है अपनी सिर्फ तारीफ़ों के लिए। और मैं चाइना के अंदर में तो ऐसा नहीं है कि यार कि हर चीज़ तारीफ़ वाली ही होगी, यहाँ पर कोई चीज़ विदाउट तारीफ़ की भी होंगी या कुछ चीज़ें यहाँ की गलत भी होंगी। तो मैं आपको हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मतलब ड्रॉबैक्स भी दिखाना चाहता हूँ, एडवांटेजेस भी दिखाना चाहता हूँ और चाइना के बारे में बताना भी चाहता हूँ। एज यूजुअल मेरा चैनल का नाम भी देसी लाइफ इन चाइना है, तो मैं यहाँ पर हर तरह की लाइफ भी दिखाना चाहता हूँ आपको। बाकी आप भाई को सपोर्ट करो और आपका भाई काफ़ी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहे। तो चलिए दोस्तों हम टॉपिक पर बात करते हैं, अभी शुरू कर। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो बीजिंग के अंदर में कोरोना आया है ये आया है सिंफादी फूड मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे वेट मार्केट काफ़ी ज़्यादा होते हैं जहाँ पे आपको मीट और ये फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ मिल जाता है। मैंने वो वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं मेरे इस पे लिंक पे जाके, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक। बाकी मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जो ये केसेस निकला है, तो आज जो 17 जून है तो 17 जून में जो डाटा है आप मैं एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ आपको। चाइना के अंदर में बीजिंग के अंदर में 138 केस है और टोटल इन्फेक्टेड 731 है और जो नया केस है 31 है। और वैसे कल जो है 44 केसेस था जिसमें 31 न्यू केसेस था और बाकी केसेस इनबाउंड केसेस थे। तो मैं वो सब की डिटेल्स आपको मेरी स्क्रीन पर मिल जाएगी देखने के लिए। बाकी मैं आपको बताता हूँ जो चाइना की गवर्नमेंट ने क्या कहा या यहाँ की मीडिया ने क्या कहा कि ये कोरोना कहाँ से आया। तो कोरोना का इनका कहना है कि जो सैल्मन फिश है ये यूरोप और अमेरिका से मंगवाते हैं और ये वहाँ से आता है और उसके अंदर ये कोरोना वायरस पाया गया है। तो ये बाहर से आया है, मतलब ये चाइना में किसी को नहीं था कोरोना, चाइना में फिनिश हो गया था, ये यहाँ की मीडिया और यहाँ की गवर्नमेंट कहती है। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, और आज की न्यूज़ में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या क्लेम किया कि ये यूएस ने स्पेशली बनाया है और ये लैब में बनाया हुआ सैल्मन था जिसको इन्होंने एक्सपोर्ट करके चाइना भेजा और क्या कहते हैं उसमें पाया गया है। और वैसे भी जहाँ पर ये चॉप किया गया था सैल्मन को, उसका अभी लैब में गया हुआ टेस्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब चाइना क्लेम कर रही है, बट मैं मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना फिनिश ही नहीं हुआ था क्योंकि लोग स्टिल प्रिकॉशन ले रहे थे। आप मेरे काफ़ी सारी वीडियोस में देखिए लोग बाहर नहीं जा रहे थे तो स्टिल प्रिकॉशन ले रहे थे। तो कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर आप मेडिकल टर्म्स यूज़ करते तो अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कोई वैक्सीन बन नहीं जाती इसकी। तो कोरोना अभी असिम्प्टोमेटिक वे में भी था जो धीरे धीरे निकलेगा लोगों में, तो प्रिकॉशन तो लेना है। बट ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्लेम करना बेकार की बातें हैं। बाकी अब ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है तो पॉलिटिकल व्यूज़ है इनके, इनका पॉलिटिकल प्रोपगेंडा है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी कोरोना निकला है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि बीजिंग की जो पॉपुलेशन है 21 मिलियन पॉपुलेशन है और जिसमें जो सिंफादी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 1 लाख रेजिडेंट रहते हैं और 1 लाख रेजिडेंट का कोरोना न्यूक्लिक टेस्ट होगा और मतलब चालू हो चुका है, इन्होंने कैंप लगा दिया गया है। वो सब वीडियो और फोटोज़ मैं शेयर नहीं कर सकता इस पर। बाकी अभी उनके टेस्ट हो रहे हैं और बाकी के जो मीडियाज़ हैं, मतलब वेस्टर्न मीडिया जो चाइना के अंदर में हैं, तो उनका कहना ये है कि अभी ये 138 बता रहे हैं, बट हो सकता है कि ये केसेस
मोर देन 30,000 40,000 तो, बट रिपोर्ट नहीं आएगी क्योंकि जब देखो चाइना के अंदर में कोरोना आउटब्रेक हुआ था उस टाइम में थर्ड और फोर्थ स्टेज पे ही चाइना हमें पता चला था, कम्युनिटी स्प्रेड पे ही कोरोना के बारे में पता चला था यहाँ के लोगों को, तब तो चाइना ने बताया था 85,000। तो आप उम्मीद ना करें कि केसेस आपको बढ़ा के बताया जाए। बाकी पूरा बीजिंग सील कर दिया गया है, बीजिंग में कोई अभी जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेके जानी पड़ेगी, आपका कोई ऑफिशियल काम है तभी आप बीजिंग जा सकते हैं, आ सकते हैं। बीजिंग अभी मोस्टली सील है। और एक और चीज़ बता दूँ कि जब से जब बीजिंग के अंदर में कोरोना हुआ है तो उसके आसपास के प्रोविंस भी अफेक्टेड हुए हैं, जैसे कि हेबेई में एक केस पाया गया है, जो सियांगन एरिया है वो कमर्शियल एरिया है, एक तरह से फैक्ट्री जोन कह सकते हैं चाइना का, वहाँ पे भी एक बीजिंग से आदमी आया था, तो वहाँ पे केस निकला है अभी। और ऐसा है कि केसेस आसपास के एरिया में भी निकल रहे हैं कुछ कुछ, तो ओवरऑल कहीं पे सियांगन एरिया है, झजियांग एरिया है, हेबेई, मतलब आप प्रोविंस की बात करें तो अगर हेबेई और झजियांग में भी निकला है उसके बाद केसेस, तो बीजिंग का अभी जो है 138 केसेस है, टोटल 700 से ऊपर इन्फेक्टेड हैं। बाकी इस न्यूज़ के बाद संघाई ने मतलब क्लियर कर दिया है कि जो भी बीजिंग और बीजिंग के आसपास के एरिया से आएगा उसको 14 डेज क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। मुझे लगता है मोस्टली अभी जो जो स्टेट में नहीं था कोरोना तो अब वो लोग स्ट्रिक्ट हो जाएंगे फिर से, तो अभी ट्रैवलिंग फिर से एक तरह से चाइना के अंदर में बैंड एक तरह से हो ही गया है, लोग अपने रिक्स पे जाएं। और दूसरी चीज़ है कि अभी मैंने आपको बताया कि दे आर गोइंग टू टेस्ट देयर 1 लाख पीपल, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट वो करेंगे कोरोना का, उसके बाद उसकी भी डिटेल्स मैंने डाल दी है, आपको देख लीजिएगा। बाकी चाइनीज़ गवर्नमेंट तो आपको पता ही है क्लेम करती है कि भाई ये हमारा कोरोना नहीं है, ये बाहर से आया है, तो अब इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और संघाई ने भी क्लियर कर दिया कि जो बीजिंग से या बीजिंग के आसपास के एरिया से आएगा तो वो 14 डेज क्वारंटाइन में रहेगा। और अभी हेबेई में भी कोरोना निकल गया है, बाकी लोग क्वारंटाइन पे, और झजियांग प्रोविंस में भी निकला है। और जो स्कूल खुलने वाले थे चाहे बीजिंग के अंदर में, जो स्कूल खुल गए थे उन सबको फिर 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है अभी फ़िलहाल तो, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो पब्लिक प्लेसेस था जैसे आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और थियानमेन स्क्वायर वगैरह खुल गए थे, फिर से सब बंद हो गए, तो बीजिंग हाई अलर्ट पे चला गया, मिलिट्रीज पुलिस वगैरह सिक्योरिटीज़ वगैरह वहाँ आ गई है। अगर आपको इंडिया की न्यूज़ में दिखाता हूँ वो तो ठीक है, नहीं तो जो भाई बता रहा है आपको उसको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाइना के अंदर में ही हूँ और मैं जो चीज़ है यहाँ पे मैं देख के बता रहा हूँ। मैंने इतने दिन पहले वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सोचा पहले कुछ देख लेता हूँ क्या अपडेट है, क्या कोरोना का अपडेट हो जाए, सब कुछ हो जाए, क्लियर हो जाए, तो मैं एक इस पर शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। और यही है, 17 जून है आज, और यही था, मैंने आपको बता दिया है। बाकी यार आप भाई के वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और चैनल को शेयर भी करो कि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर आपके पास में कोई जानकारी है तो भाई के साथ शेयर करो और कमेंट पे बताओ, कोई सजेशन हो तो भाई को सपोर्ट करो। हाँ जी भैया, फिर चलते हैं।